आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार की दोपहर लखीमपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को सपाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्नाव मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने दिनेश शर्मा के काफिले को रोकने और काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी, जिसके संज्ञान में आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोतवाली में बिठा लिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोधी नारे भी लगाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सोमवार की दोपहर अपने उड़न खटोले से लखीमपुर पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे, जिसके बाद उनका काफिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के लिए सड़क मार्ग से होते हुए निकलना था, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के लोहिया वहिनी के पदाधिकारियों को थी। उन्होंने उन्नाव कांड पर अपनी नाराजगी जताने के लिए उप मुख्यमंत्री के काफिले को लोहिया भवन के सामने रोकने की योजना बनाई, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लोहिया वहिनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अमित वर्मा, अध्यक्ष शाश्वत मिश्र, युवजन सभा विनय मिश्र, सैयद अरसद हुसैन, तारिक अहमद खान, ठाकुर त्रिभुवन सिंह, जमीर अहमद अंसारी व इमरान रजा सहित कई अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और उन्हें कोतवाली ले आई। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। दिनेश शर्मा जी हमारे शहर लखीमपुर में आए हुए हैं, एक बालिकाओं के विद्यालय का उद्घाटन करने आए हैं। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वापस से लग जाना चाहिए। अगर जो आप महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो एक विद्यालय का उद्घाटन करने आए हैं, उसमें आप क्या संदेश देंगे? उन बच्चियों की जब आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चियों का विद्यालय का उद्घाटन करने का हक आपको कहाँ से मिलता है? हम लोग उन्हें काला झंडा दिखाने का काम किए हैं और हम लोग चाहते हैं दिनेश शर्मा वापस आएँ। ये महिला विरोधी जो सरकार चल रही है, पुलिस के दम पर तानाशाही कर रही है, इसका विरोध हम लोग करने आए हैं। इसीलिए हम लोगों को अपने कार्यालय के बाहर चौराहे से कोतवाल साहब ने अरेस्ट करके यहाँ पे लाए। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया रोज गार्डन के सामने मऊ।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।